अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम व्यूवर्स। आस्क आरएमआई के एक और लाइव सेशन के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज का टॉपिक इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन ट्यूमर्स एंड ब्रेन रिलेटेड सर्जरीज़। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ। डॉक्टर नवीद जमान अखुनज़ादा साहब, ही इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट आरएमआई, और ये यहाँ पर आरएमआई हमारे साथ काम कर रहे हैं सिंस 2019। इसके अलावा डॉक्टर साहब की जो ट्रेनिंग है वो बेसिक ट्रेनिंग इनकी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से हुई है। उसके अलावा डॉक्टर साहब का एफसीपीएस सर्जरी में जो है उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑल अक्रॉस दी केपीके उन्होंने ट्रेन किया। वी वेलकम यू ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, विदाउट फर्दर अडू हम अपने टॉपिक से रिलेटेड ही बात शुरू करते हैं। आवाम को ये एक तशवीश है और वो ये पूछते हैं कि जी ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई डर जाता है। सर, ज़रा आगाही के तौर पे बताइएगा कि ब्रेन ट्यूमर जो है ये है क्या चीज़ और इसके अंदर कितनी इकसाम हैं। सो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी हियर। ब्रेन ट्यूमर के हवाले से कोई भी, जिस तरह जिस्म के बाकी हिस्सों में ट्यूमर्स या रसोली आम ज़बान में बोला जाता है, या फिर कोई लीजन या सूजन जो होती है जो बन जाती है उसको ट्यूमर कहा जा सकता है। ट्यूमर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह किसी और हिस्से में जिस्म के बनती हैं। वो बिनाइन हो सकती हैं या मेलिग्नेंट हो सकती हैं। बिनाइन से मुराद ऐसी कि जो जिनको निकाल लेने से दोबारा बनने के चांसेस कम हों, जो जिनका अपने सराउंडिंग के टिशू की डिस्ट्रक्शन में कम से कम उसका असर होता है। और उसकी निस्बत में मेलिग्नेंट हम ऐसे ट्यूमर्स को कहते हैं जो कि बढ़ते रहते हैं वक्त के साथ साथ, अपने सराउंडिंग के या साथ के जो टिश्यूज़ होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको इनगल्फ करते हैं, उनको उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह बनते हैं। तो वो सारे मेलिग्नेंट उसमें आते हैं। तो सेम गोज़ फॉर ब्रेन एज वेल। ब्रेन के किसी हिस्से में भी कोई रसौली या ट्यूमर बन सकता है। उसकी जो मेन क्लासिफिकेशन आप समझ लें या मेन उसकी इकसाम समझ लें, वो ये कि वो या मेलिग्नेंट हो सकते हैं या फिर बिनाइन हो सकते हैं। और डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में बने हैं, उसकी जो ओरिजिन है वो किस किस्म के सेल से है, उसके हिसाब से उसका इलाज का तरीक़ाकार भी है। ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये ब्रेन ट्यूमर किसी में भी बन सकता है, यानी इसके कुछ ख़ास जो हैं वजूहात हैं जिनकी वजह से ब्रेन ट्यूमर की डेवलपमेंट हो सकती है। एग्जैक्टली कोई ख़ास वजह आप पिन पॉइंट सारे ट्यूमर्स के लिए नहीं कर सकते। कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि जिनका किसी हद तक फेमिलियल डिस्पोजिशन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऑन अ जनरल स्केल आम तौर पे अगर आप देखा जाए तो जनरली ट्यूमर मौरूसी तौर पे बनने के चांसेस कम होते हैं। अमूमन सबसे ज़्यादा ट्यूमर्स की जो कॉज आइडेंटिफाई हुई है अभी तक दुनिया में, वो रेडिएशन से रिलेटेड है, वो केमिकल्स से रिलेटेड है, वो एक्सरेज वगैरह से या धूप की शुआएं जो हैं उनसे, जिस तरह स्किन के ट्यूमर्स लगते हैं इसी तरह ब्रेन में भी शुआओं से, डिफरेंट केमिकल से, उससे बनने के चांसेस होते हैं। और फिर कुछ ज़्यादातर ट्यूमर ऐसे हैं कि उनकी कोई ख़ास एक्सटर्नल वजह, इन्वायरमेंटल वजह अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, लेकिन वो ख़ुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं ब्रेन में। और जनरली अगर ज़्यादातर देखें तो ट्यूमर क्या चीज़ है, जिस्म के अपने ही सेल जब वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो अपनी तादाद बढ़ाना शुरू जाते हैं, उसको आप ट्यूमर कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या इसका एज से कोई ताल्लुक़ है कि कम उम्र अफराद में या दरीज़ उम्र अफराद में इसका जो है वो ज़्यादा है? इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में होते हैं। बच्चों में जो ट्यूमर्स हैं वो अलहदा किस्म के हैं, उनकी ज़्यादातर जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। एडल्ट्स में वो एक अलहदा करके डोमेन में आप उसको डिवाइड करते हैं और उनका ज़्यादातर दिमाग की जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें बच्चों में और एडल्ट्स में, तो बड़ों में मतलब कि जो एडल्ट्स हैं उनमें जनरली ब्रेन ट्यूमर की तादाद जो है वो बच्चों से ज़्यादा है रिलेटिवली अगर देखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों को ट्यूमर्स हो नहीं सकते या सिर्फ बड़ों को होते हैं या सिर्फ बूढ़ों को होते हैं। अमूमन सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि ट्यूमर की जिस किस्म की इकसाम मोस्ट कॉमन है वो अमूमन 30 से 40 के बाद ये एज ग्रुप जो है वो उसमें ज़्यादा शुरू होते हैं। लेकिन बच्चों में भी हो सकते हैं, ख़वातीन में मुख्तलिफ ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है, कुछ बच्चों में कॉमन है, कुछ एडल्ट्स में कॉमन है। सो कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में हो सकते हैं। अमूमन मिडल एज और वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, लेकिन कोई कॉमन वो नहीं है ग्राउंड की आप कहेंगे इस एज में नहीं हो सकते। ठीक जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी के जिस्म में है तो वो कुछ उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि उसको ये बीमारी है? काफ़ी सारी एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ब्रेन ट्यूमर से। एक चीज़ जो अनकॉमन है सब में वो ये है कि वो डिपेंड करता है कि कौन से दिमाग के हिस्से को अफेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जनरल सिम्टम्स हैं जो कि सब में यकजा होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसमें क्रॉनिक सर का दर्द आना, क्रॉनिक से मुराद ये कि लंबे अरसे तक, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में पहली मरतबा आपको सर में दर्द हो आप परेशान होना शुरू हो जाए, तो वो एक कॉमन बात है सर का दर्द आना। लेकिन अगर ऐसा सर का दर्द है जो ख़त्म नहीं हो रहा, जो कि मुसलसल रह रहा है, दवाइयों को का असर उस पर इतना नहीं हो रहा, तो उसको देखना ज़रूरी है। किसी किस्म का झटका आना, जिस तरह जिसको फिट्स कहते हैं या मिर्गी का झटका जिसे लोग कहते हैं, तो झटकों का आना बहुत कॉमन है दिमाग के हवाले से। इसी तरह दिमाग के प्रेशर की बढ़ जाने की वजह से उल्टी या मतली का मुसलसल आना, खाने के साथ या खाने के बग़ैर दोनों, और ख़ास तौर पे अमूमन सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हैं उस टाइम ज़्यादा होता है। इसी तरह हाथ या पाँव में किसी किस्म की कमज़ोरी आ जाना, वो बड़ा कॉमन है इसके साथ। इसके अलावा अगर दिमाग की जो बाहरी सतह है उसके कोई ट्यूमर्स हैं तो वो ज़ाहरी बात है वो दिखने में भी दिख सकते हैं। जो हड्डी के ट्यूमर्स हैं वो दिखने में भी शेप में चेंज आ सकता है उसमें। लेकिन कॉमनली अगर देखा जाए तो कमज़ोरी का आना, झटके का आना, मुसलसल सर दर्द का रहना, उल्टी या मतली का रहना, किसी किस्म की भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का होना, मतलब है कि जिस तरह लकवा होता है उस तरह का अटैक आ जाना या हाथ पाँव की कमज़ोरी, ये सबसे कॉमनेस्ट कॉजेज़ हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो ट्यूमर की लोकेशन है उसके हिसाब से आपके मुआलिज को ये अंदाज़ा हो सकता है कि दिमाग के अंदर कोई परेशानी है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब भाई आपने ये सारे जो हैं हमें कॉमन वो सिम्टम्स बताए जिसके जो पेशेंट गोई कर सकते हैं कि जी एक पेशेंट को जो है वो ब्रेन ट्यूमर है। खुदा ना ख्वास्ता किसी को इनमें से 2-4 या ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसको डायरेक्टली अपने मुअल्लिज के पास जाए या उससे पहले कोई ऐसे टेस्ट वगैरह हैं या कोई और चीज़ें हैं जो कि वो कर सकता है? देखिए जब भी कोई भी सिम्टम शुरू होता है तो ज़ाहिरी बात है अपने नज़दीकी किसी भी मुआलिज से मशवरा ले लेना बहुत बेहतर है और उसके हवाले से आप अपने जनरल फिजिशियन के साथ या जिस डॉक्टर के साथ भी, फैमिली डॉक्टर के साथ आप मशवरा करते हैं उनसे मशवरा कर लेना ज़रूरी है। कुछ अलामात ऐसी हैं कि वो ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा ख़तरे की वजह बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल झटके का आना, कमज़ोरी का आना, उसके मामले में हमें ज़रा अर्जेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर सर दर्द है, उल्टी है, तो उसके लिए बहुत ही अचानक से परेशान होना भी बेहतर नहीं है। लेकिन अपने मुआलिज से उनसे मशवरा कर लेना बहुत ज़रूरी है। एक मरतबा अगर उनको ऐसे लगता है कि मेडिकेशन से वो मसला जल्द हल नहीं हो रहा या अलामात ज़्यादा सीरियस हैं तो उस मामले में उसको मज़ीद टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। डेफिनेटली ब्रेन के हवाले से सिम्टम्स के अलावा, डॉक्टर से मशवरे के अलावा किसी किस्म की रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना अमूमन ज़रूरी होता है। अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि उनकी ब्रेन में कोई ऐसी परेशानी है तो सीटी स्कैन या एमआरआई करके वो देख सकते हैं कि उसको रूल आउट कर लिया जाए। ठीक, हम ऑडियंस के सवालात भी इंक्लूड करेंगे इसमें। फैज़ान खान यूसुफ़ई साहब सलाम के बाद अर्ज़ करते हैं कि जिस तरह सर ने बताया कि दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन और दूसरा जो है वो हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो सर बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, इनमें से जो बिनाइन ट्यूमर है क्या वो डेंजरस ज़्यादा है या नहीं? सो फैज़ान, ब्रेन के अंदर अगर देखा जाए तो ब्रेन एक हड्डी के खौल में बंद है और उसके अंदर बहुत जगह नहीं है किसी भी और ट्यूमर के लिए या लीजन के लिए, और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रेशर उसके अंदर वो होना मतलब उससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो अलामात आ सकती हैं। बिनाइन ट्यूमर्स हम अमूमन इस तरह के ट्यूमर्स को कहते हैं जिनकी दोबारा बनने की चांसेस कम से कम होते हैं और जिनका ग्रोथ रेट जो है वो कम से कम है, जिनका तीसरी बात ये कि अपने सराउंडिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ प्रेशर इफेक्ट ज़रूर आते हैं लेकिन उनको इनगल्फ नहीं करता, उनको ख़राब नहीं करता। सो डेफिनेटली हर एक ट्यूमर जो है उसका उस पर नज़र रखना या उसको हटा देना ज़रूरी है। अमूमन अगर आप उनके हवाले से पूछें कि मेलिग्नेंट या बिनाइन में कौन सा ख़तरनाक ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिनाइन ट्यूमर्स कम ख़तरनाक होते हैं। अमूमन अगर आप उनको फ़र्ज़ करें सर्जरी कर ली जाए और हटा दिए जाए तो मुकम्मल तौर पे तो दोबारा बनने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप इस हवाले से देखें तो बिनाइन ट्यूमर्स की डेंजरस होना या उनकी लाइफ थ्रेटनिंग होना कम होता है और उनका मज़ीद इलाज जो है वो भी आसान होता है। और कुछ किस्म के ट्यूमर्स ऐसे हैं कि वो अगर आप एक मरतबा सर्जरी कर लें तो अमूमन सारी ज़िंदगी में दोबारा नहीं बनते, लेकिन बहरहाल उन पे हम नज़र रखते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर डेफिनेटली उसकी जो परेशानी है वो मेलिग्नेंट से कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, वेरी वेल आंसर्ड सर। मोहम्मद सुहेल साहब सर हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो आपने सिम्टम्स बताए हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, ये तो शायद कुछ मिलते जुलते हों वैसे ही किसी और जहनी बीमारी के, या सिंपल आजकल गर्मी का मौसम है, लोगों को हेडेक्स वैसे ही हो रहे हैं, तो कोई ऐसा एक ख़ास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट या डिफरेंट पॉइंट्स कोई ऐसे हैं जिसमें आप डिफरेंशिएट एग्जैक्टली कर सकें कि आया ये कोई अलामत जो है ये ट्यूमर की है या नहीं, ये किसी और वजह के जो हैं ये सारे सिम्टम्स? जिस तरह मैंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में एक जैसे हो सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि सर का दर्द बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मरतबा पे सर दर्द आ जाए तो आप उसको मतलब कि ट्यूमर कंसिडर कर लें। अमूमन सर का दर्द आना एक बहुत कॉमन कॉज है जो कि दिमाग के प्रेशर से रिलेटेड होता है। अमूमन जब ब्रेन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ICP उसको आम तिब्बी ज़बान में बोला जाता है, तो वो उसके साथ हेडेक का आना बहुत कॉमन है। अमूमन हेडेक्स क्रॉनिकली अगर रह रहे हैं, मतलब क्रॉनिकली से मुराद ये कि हफ्तों महीनों हैं और वो दवाई को असर नहीं कर रहे, तो वो ज़्यादा परेशान कुन होते हैं। हेडेक की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हेडेक आपकी नज़र की वजह से भी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, आपको साइकेट्रिक कोई परेशानी हो सकती है, आपको डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस हेडेक्स हो सकते हैं, आपकी माइग्रेन की वजह से हो सकती है। ये सारे अलामात जब तक आप किसी मुआलिज से मिलेंगे नहीं और वो आपकी हिस्ट्री के हवाले से उसको देखेगा नहीं, उसको अंदाज़ा करना मुश्किल होता है। सिर्फ एक हेडेक बग़ैर किसी हिस्ट्री के उसका कह देना कि क्या वजह मुश्किल है। और अमूमन अगर हमें ऐसे तशवीश होती है कि इसका मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, दवाइयों से असर नहीं ठीक हो रहा, तो एक CT स्कैन या MRI आपका मुआलिज लिख सकता है आपको कि करवा लीजिए, ताकि हमें 100% क्लियर हो जाए कि अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं ग्रो कर रहा। ठीक सर, ये तो सर सारी बात हमारी होगी उसके असेसमेंट रिलेटेड और ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड। अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो सर यही बताइएगा कि ब्रेन ट्यूमर बेनाइन और ब्रेन ट्यूमर मेलिग्नेंट, इनकी ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क है और किस तरह की ट्रीटमेंट्स इनकी हो सकती हैं? मैंने जिस तरह बताया कि बेनाइन ट्यूमर्स को इलाज करना रिलेटिवली आसान है, उनका दोबारा बनने का चांस कम होता है, तो वो भी डेफिनेटली बेहतर होता है। जितनी जल्दी सर्जरी कर ली जाए उतना फ़ायदा होने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना जल्दी आप सर्जरी करते हैं उतने टिश्यू की या दिमाग पे जो असरात हैं वो कम से कम होते हैं। दूसरा, सर्जन के लिए भी एक बड़े ट्यूमर की निस्बत छोटा ट्यूमर मुकम्मल तौर पर हटा लेना आसान होता है, क्योंकि जितनी बड़ा ट्यूमर होगा उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को वो अफेक्ट कर रहा होगा और उन सब को बचाना कभी कभार वो परेशान कुन हो सकता है। आप इसी वजह से कभी कभार ट्यूमर्स जो हैं वो रह जाते हैं। उसकी वजह यह कि वो डिपेंड करता है कि दिमाग के इतने एक्सटेंसिवली फैले हुए होते हैं कि सारा निकालना मुश्किल होता है। सो ये इसीलिए बेनाइन हो भले मैलिग्नेंट हो, अमूमन उसको डायग्नोस करने के बाद उसको सर्जरी कर लेने से अमूमन फ़ायदा होता है। बहुत कम ऐसे ट्यूमर्स हैं कि जो किसी किस्म की भी सर्जरी या बायोप्सी के बग़ैर उसका इलाज किया जा सके, और वो उसकी वजूहात ये हैं कि वो दिमाग के किसी ऐसे हिस्से में होते हैं कि जहाँ पे सर्जरी ना करना जो है उससे बेहतर होता है सर्जरी करने से। तो ब्रेन स्टेम के जो लीजन्स हैं उनको आप डायरेक्टली बग़ैर सर्जरी के इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी आप सारी दुनिया में अब आजकल जिस तरह का इलाज का तरीक़ाकार है उसमें अमूमन बायोप्सी के बग़ैर तो मतलब मिनिमल वो होना ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता हो कि क्योंकि बहुत सारी इकसाम हैं। ब्रेन के अपने टिश्यूज़ के ट्यूमर्स अलहदा हैं, ब्रेन के इर्द गिर्द जो पर्दा है या ड्यूरा जिसे कहा जाता है उसके ट्यूमर्स अलहदा हैं, बच्चों की इकसाम अलहदा हैं, बड़ों की अलहदा हैं, और उनका जो इलाज का तरीक़ाकार है वो भी डिफरेंट है। कुछ जो हैं वो रेडिएशन को सेंसिटिव हैं, कुछ हैं जो कीमोथेरेपी को सेंसिटिव हैं, कुछ हैं जो जिनका मुकम्मल तौर पे निकाल लेना सबसे बेहतर होता है क्योंकि वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी को भी इतना असर नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है, उसके लिए एक बेसिक सर्जरी का होना तो बहुत ज़रूरी है। और अमूमन हम कोशिश ये करते हैं कि पहली सर्जरी में मैक्सिमम जितनी सेफ रिसेक्शन की जा सके, मैक्सिमम जितना ट्यूमर निकाल लिया जाए, ताकि वो उसके कंप्रेशन इफेक्ट जो दबाव के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाए और उसकी बायोप्सी के हिसाब से मज़ीद भी इलाज कर लिया जाए। तो इलाज बिल्कुल पॉसिबल है। हम साल से अब करते आ रहे हैं न्यूरोसर्जरी के हवाले से। पिछले 150-200 साल से बहुत उसमें एक इनोवेशन आई है और अब सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं है कि जो जिसकी ब्रेन की सर्जरी है तो वो कोई उसके लिए एब्सोल्युटली डेथ सर्टिफिकेट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अभी। ठीक सर, यही आपके इसी जवाब से सर आगे कंटिन्यू करूँगा कि लोगों के दिल में एक डर है, खौफ है कि जी ब्रेन सर्जरी से कुछ और चीज़ अफेक्ट हो जाएगी या दिमाग का कोई और हिस्सा जो है शायद वो ख़राब हो जाए या कुछ ऐसे हो जाए। तो ब्रेन सर्जरी के बाद जो पेशेंट की प्रोग्नोसिस है या उसका बेहतर होना है उसके कितने चांसेस हैं और कितनी इफ़ेक्टिव होती है ये ब्रेन सर्जरी? सो सबसे मेन चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप सर्जरी ना करें तो ट्यूमर के साथ क्या होगा। ट्यूमर तो बन रहा है, उसका जो साइज़ है हो सकता है बढ़ता जाए, वो मज़ीद स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता रहेगा और उसका नुकसान डेफिनेटली होता रहेगा। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफ़िक हमारे पास इलाज का तरीक़ाकार नहीं है कि जी हम उसके ज़रिए ट्यूमर को बिल्कुल अचानक से ख़त्म कर लें। बहुत ही कम ऐसे ट्यूमर्स हैं जिनके बारे में ऐसे कहा जा सकता है, लेस देन 1 और 2%। लेकिन ज़्यादातर ट्यूमर्स को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप सर्जरी करते हैं तो मेन मकसद सर्जरी का ये होता है कि ट्यूमर के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको कम से कम किया जाए और जो नुकसानात परमानेंट नहीं हुए ट्यूमर के इफ़ेक्ट्स की वजह से उसको वापस किया जाए। अमूमन फ़ायदा होने की सिग्निफिकेंट वो होती है, उसके चांसेस होते हैं। जब ब्रेन की टिश्यूज़ पे प्रेशर कम होता है तो उससे जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है ब्रेन की टिश्यूज़ की वो बेहतर हो सकती है। दूसरा, वो जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उतना उतना वो जो अफेक्टेड एरिया है वो काम करना छोड़ देगा। अगर आज आपका हाथ कमज़ोर है, हो सकता है आपके कुछ महीने बाद या साल बाद आपका पाँव कमज़ोर होना शुरू हो जाए, हो सकता है दूसरी तरफ की जो हिस्सा है उस पर असरात पड़ना शुरू हो जाए। सो दिमाग की जो आसाब की नसें हैं, नर्व्स जो हैं, उनका इंजर होना हो सकता है। तो सर्जरी करने का मेन मकसद ये है कि ट्यूमर निकाल लिया जाए, उसके इफ़ेक्ट्स ख़त्म किए जाएँ, जो इफ़ेक्ट्स परमानेंट नहीं हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर ने कोई परमानेंट डैमेज कर दिया है तो अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा तरीक़ाकार हमने वज़ा नहीं किया कि जिससे हम परमानेंट डैमेज को एब्सोल्युटली 100% उससे गारंटी से उसको वापस कर सकें। अमूमन आप प्रेशर और उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद सपोर्टिव केयर से और रिहेबिलिटेशन से कोशिश करते हैं कि वो दिमाग का हिस्सा बेहतर हो जाए। दूसरा ये कि रिहेबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। दिमाग ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये कि अगर दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया है तो आप अगर वो डैमेज ख़त्म कर दें तो दिमाग का कोई और हिस्सा वही काम करने की जो 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 कैपेसिटी है उसमें डेवलप हो जाती है और अमूमन वो अपने डेफिसिट्स बेहतर कर लेते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ज़ाहिर बात है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी कम होती जाती है, लेकिन बेहतरी के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक सर। सर ये बताएं, सर्जरी से रिलेटेड आपने बात की, तो क्या सिर्फ सर्जरी ही काफ़ी होती है, यानी प्रायर टू सर्जरी या सर्जरी के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया ज़रूरी होता है? मैंने आपको बताया डिपेंड करता है कि ट्यूमर की किस्म क्या है। अगर ट्यूमर कीमोथेरेपी से सेंसिटिव है तो डेफिनेटली उसको कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरा ये कि ये देखा जाता है कि सर्जरी के बाद कितना ट्यूमर बाकी बच गया है, जो कि मैंने अपनी ट्रेनिंग में ख़ास तौर में कराची में, आगा खान में देखा, बाहर के मुल्क जो जिस तरह की सर्जरी हो रही है वो, कि मैक्सिमम कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना ट्यूमर निकल जाए। अगर आप 90 से 95% अपना ट्यूमर निकाल लेते हैं तो उसमें बेहतरी होने के चांसेस तकरीबन डबल हो सकते हैं। तो सिर्फ उसका एक हिस्सा हटा देना से फ़र्क कम पड़ता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं उसको हटाने की, मोर देन 90 to 95% अगर आप उसे हटा पाएँ तो ये एक सर्जन हैज़ डन अ वेरी सिग्निफिकेंट जॉब। तो अगर वो कर लें तो उससे ज़ाहिर बात है डिपेंड करता है ट्यूमर कितना बाकी मांदा है, उसकी टाइप क्या है। अगर फ़र्ज़ करें ट्यूमर बाकी मांदा है तो उसको ट्यूमर की किस्म के हिसाब से रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा ये कि अगर ट्यूमर की टाइप बहुत हाई ग्रेड है तो जो सराउंडिंग के टिश्यूज़ हैं उनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी की ज़रूरत बिल्कुल पड़ सकती है। और तीसरी बात जो कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं वो न्यूरो रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। आपके जो 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 दिमाग से रिलेटेड मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से हैं वो आपकी न्यूरो रिहेबिलिटेशन को उतना ज़्यादा उसके साथ बेहतर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने अरसे से अगर आपकी हाथ पाँव की ताकत कमज़ोर हो गई है तो उसको दोबारा से डेवलप करना, उन सिग्नल्स को दोबारा से रीस्टार्ट करने के हवाले से फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। ठीक सर। तो मतलब इसमें जो है सिर्फ न्यूरोसर्जरी के अलावा रिहेबिलिटेशन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक, सही। सर ये बताएं कि एक दफ़ा एक बंदे की सर्जरी होगी, ब्रेन ट्यूमर रिमूव हो गया और खुदा ना खास्ता वो ट्यूमर दोबारा डेवलप होता है, सो इसके कितने चांसेस हैं कि ट्यूमर दोबारा डेवलप होगा? और दूसरा ये कि क्या अगर वो दोबारा डेवलप हो रहा है बार बार तो बार बार सर्जरी ही उसका ऑप्शन है? मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है कि वो उसकी टाइप क्या है। अगर वो बिनाइन है तो उसके दोबारा बनने के चांसेस कम होते हैं। अगर मेलिग्नेंट है और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं दी गई या फिर वहाँ पर बाकी मांदा है तो वो उसके दोबारा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन हम कोशिश तो यही करते हैं कि अगर एक मरतबा पहली सर्जरी हो जाए उसमें मैक्सिमम ट्यूमर रिमूव कर दिया जाए। अगर दोबारा बन रहा हो या कुछ रह गया हो तो उसको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से कोशिश की जा सकती है। साइबर नाइफ से, गैमा नाइफ से भी सर्जरी के बाद कोशिश की जा सकती है। अमूमन लोग ये भी पूछते हैं जी सर्जरी के बग़ैर शुआओं का असर हो सकता है कि नहीं। अमूमन अगर आपको पता नहीं है कि वो ट्यूमर क्या किस्म है उसकी, वो रेडिएशन को असर रखता है या नहीं रखता, उसके बग़ैर रेडिएशन देना जो है वो एक एथिकल ऑप्शन नहीं है, अनटिल अनलेस वहाँ पर सर्जरी हो ना सके या फिर आपको 100% अंदाज़ा हो कि ये ट्यूमर रेडियो सेंसिटिव है, तो फिर आप रेडिएशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अमूमन नहीं, 99% ट्यूमर्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको बार बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है कितना हाई ग्रेड है, कितने हद तक उसने दिमाग को डैमेज किया हुआ है। अगर थोड़ा बहुत दोबारा बना रहा है और दोबारा बनने का ख़तरा है तो उसको दोबारा से एक मरतबा दो मरतबा सर्जरी करने से कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसकी नहीं है। अलबत्ता अगर हाई ग्रेड बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कि वो कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने 8 महीने से भी ज़्यादा नहीं है, सो उनके मामले में चांसेस कम होते हैं कि बार बार सर्जरी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा सर्जरी हो नहीं सकती। मैंने अपने कैरियर में कई मरतबा देखा है कि चार पाँच मरतबा भी ज़रूरत पड़ी है, लेकिन वो अमूमन उसके केस टू केस डिपेंड करता है, और अमूमन अगर उसके प्रोग्नोसिस या बेहतरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो सर्जरी करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक सर। सर ये बताइएगा कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है? सर्जरी से स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कहूँ कि प्री ऑपरेटिव केयर से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सर्जरी करने से पहले ये देख लेना कि कोई और किसी किस्म की बीमारी तो नहीं है। बाकी जो दिमाग के या दिल की जो शरियाने हैं उनका कोई परेशानी तो नहीं है। और इसीलिए एनेस्थीसिया के हवाले से फ़िटनेस देख लेना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से फ़िटनेस देख लेना बेहतर होता है। और उसके बाद फिर इसी तरह सर्जरी के दौरान न्यूरोस्पेसिफिक एनेस्थीसिया टीम का होना, और आपके पास एक डेडिकेटेड एनेस्थीसिया टीम का की जो एफ़र्ट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद जब पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं तो वो भी आधे से ज़्यादा, अगर मैं आपको कहूँ कि सक्सेस का जो 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 एरिया है वो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव अच्छी केयर के मामले में है। सर्जरी उसका आधा या आधे से भी कम शायद हिस्सा है। अगर आप एक अच्छे रिज़ल्ट चाहते हैं तो अच्छी प्री ऑपरेटिव और अच्छे पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर जब आप हटाते हैं तो जाहिर बात है दिमाग में खून बहने का ख़तरा होता है दोबारा से। वहाँ पर उस दिमाग के प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फार्क्ट ना हो जाए ट्यूमर की सर्जरी करने के बाद। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पेरी ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर का हिस्सा है जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक सर। एक और क्वेश्चन हम इंक्लूड करते हैं ऑडियंस से। पूछ रहे हैं कि जी क्या ब्रेन ट्यूमर जो हैं ये इनहेरिट हो सकते हैं? फेमिलियल इसके अंदर कोई ट्रेट? फेमिलियल मैंने आपको बताया कि बिल्कुल उसका एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर एक ट्यूमर का नहीं। बहुत कम ऐसे ट्यूमर हैं कि जिनका जेनेटिक या फिर इनहेरिटेंस से ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ ट्यूमर्स हैं ऐसे कि जिनको जो कि ख़ानदानी तौर पे चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप अमूमी तौर पे देखें 90% या मोर देन 90% ट्यूमर्स उनमें इनहेरिटेंस का चांस कम होता है। अब वो जनरली किसी भी इंसान को हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके वालदैन में से या आपके बच्चों में से कोई हो, तो अगर आपको है तो बच्चों को होगा, या वालदैन में है तो आपको होगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर अफेक्ट्स जो हैं उसके जो ट्यूमर्स बनने के चांसेस हैं वो इन्वायरमेंटल हैं, और कुछ जो हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से या फिर रेडिएशंस की वजह से ज़्यादा हैं। तो जितना अच्छी खुराक की जाए, जितना अपने आप को रेडिएशन से दूर रखा जाए, जितना केमिकल्स से दूर रखा जाए, तो ट्यूमर्स होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसी तरह अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है कि आप एक ख़ास एक्सरसाइज जिसम में वो जो फाजिल मवाद है उसका ख़त्म हो जाना वो बहुत बेहतर होता है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं कि बीइंग इन द न्यूरोसर्जरी फील्ड आपने सर्विसेज बहुत सारी देखी होंगी। आरएमआई में ऐसा कौन सी सर्विसेज जो हैं हम स्पेशल ऑफ़र करते हैं? हाउ इज़ आरएमआई न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट डिफरेंट फ्राम अदर्स? सो अगर स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। तो हमारे पास एट आरएमआई न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप, और इसके अलावा मेडिसिन या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीडियाट्रिक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट अलहदा है जो कि इस तरह के ट्यूमर्स या इस तरह की पॉपुलेशन में से जो ख़तरनाक अलामात के पेशेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का जो फेज़ है उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास फुली अवेलेबल हैं। उसके बाद हिस्सा आता है उनकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से हमारे पास यहाँ पर केपी में 1.5 क्लोज टेस्ला के हवाले से एक सबसे अच्छा, अगर इफ़ नॉट द बेस्ट वन, रेडिएशन डिपार्टमेंट, मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पर एमआर से हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो बच्चों के या बड़ों के किसी किस्म के भी आपको अगर स्कैन्स करवाने होते हैं तो सबसे अच्छे स्कैन्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। दूसरा उसके अलावा आपको टेस्टिंग के हवाले से एक बहुत ही सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री आपके पास अवेलेबल है, जो कि किसी किस्म के भी टेस्ट जो पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में हो रहे हैं, इवन जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद आपके बाद सर्जरी की हवाले से आ जाएं तो आपके पास एक बहुत अच्छी एक्सटेंसिव एनेस्थीसिया टीम है, सर्जिकल डिपार्टमेंट जो है वो आपके पास न्यूरोसर्जरी का अवेलेबल है। उसमें गैजेट्स के हवाले से देखें तो बहुत ज़रूरी है, हमारे पास न्यूरो माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, न्यूरो ड्रिल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह कूसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप ट्यूमर्स बग़ैर किसी ट्रैक्शन के हटा सकते हैं। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं तो आईसीयू की टीम या आईसीयू की अवेलेबिलिटी बहुत एक्सटेंसिव एक पार्ट है ब्रेन ट्यूमर्स के हवाले से, तो एक हमारे पास एक बहुत अच्छी एनेस्थीसिया टीम अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सक्सेस की वजह बनती हैं, सिर्फ एक बंदे का हाथ नहीं है। अगर आपको कहे कि जी कोई एक बंदा आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है तो वो मुश्किल है। तो ये सारी टीम का अवेलेबल होना, एक ही छत के अंडर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक डॉक्टर साहब, ये तो हमारे सारे सवाल आई थिंक सो पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा इनके जवाब मुफीद रहे होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। आखिर हम अपना प्रोग्राम जो है वंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, जनरल पब्लिक के लिए ब्रेन ट्यूमर सर्जरी और इन सब चीज़ों के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। रिसेंटली ही हमारे ब्रेन ट्यूमर का डे भी गुजरा है, उसके हवाले से भी काफ़ी RMI की साइट पे और हमारी एक एफर्ट्स रही हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लोग जब भी ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते हैं तो उनके दिल में बहुत एक धड़का सा आ जाता है कि क्या होगा, इसका इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाए। और आजकल मैंने जिस तरह आपको बताया, वक्त बदलते वक्त के साथ साथ इलाज के तरीक़ाकार भी बेहतर हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ब्रेन ट्यूमर अब एक ऐसी चीज़ नहीं रही कि जिसका इलाज ना हो सके। सो डरिए मत, अपने मुआलिज से वक्त पे मशवरा करें। जितना जल्दी मशवरा करेंगे, जितना जल्दी फ़ैसला करेंगे, उतने रिज़ल्ट अच्छे होने के चांसेस हैं। और डर को हटाना ज़रूरी है। एक बीमारी है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है, उसका इलाज भी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों को वक्त के साथ साथ वो बेहतर हो रहा है, तो वो इलाज करवाना सुन्नत भी है, तो वो उससे डरना नहीं चाहिए। एक परेशानी है, उसको डील कर लेना, वक्त पे डील कर लेना सबसे अच्छा है। जी, तो इन्हीं मुफीद एडवाइसेस और सजेशंस के साथ हम अपने प्रोग्राम को अख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा आज का सेशन हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और मुफीद रहा होगा। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात एक और लाइव सेशन के साथ होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर रईद मुफ्ती और डॉक्टर नवीद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।